तैयार रहो। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं मक्का की तरफ जा रहा था कि बयाबान में मुझे नींद ने आ लिया, तो मैं रास्ते में ही लेटकर सो गया। पीछे से एक शुतर सवार आया, इसने देखा कि कोई मुसाफिर गफलत से पड़ा सो रहा है, तो इसने ऊंट की महार मेरे सर पर मारी और कहा, क्या मरना चाहता है जो घंटे की आवाज़ से भी बेदार नहीं होता? आराम से सो जाने की तो मुझे भी ख्वाहिश है, लेकिन जो बयाबान सामने है वो मुझे सोने नहीं देता। जो शख्स कूच के ऐलान के बाद भी सोया रहे तो काफ़िला निकल जाता है, फिर इसे रास्ता नहीं मिलता। सारबान ने ढोल पीट दिया और काफ़िले का अगला हिस्सा मंजिल तक पहुंचने वाला है, तू कब तक सोया रहेगा? फरिश्ते ने मौत की आवाज़ लगा दी और कितने ही लोग इस वादी में उतर गए, तुझे कब तक होश नहीं आएगी? वो मुसाफिर बड़ा मुबारक है जो नकारा पीटने वाले से भी पहले अपना बिस्तर बांधकर तैयार हो जाए, यानी इज़राइल की आमद से पहले मौत के लिए तैयार हो।